हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स, आपण मानक जमी सब टॉपिक रो एनईपी 2020 रो सिलेबस ऊपर आलोचना करौछि। माने या पूर्व आम ऑलरेडी एनवायरमेंटल स्टडीज जो थिला आपणकर तार सिलेबस एबे आउटरे आलोचना कर सारछे। ता सहित आपण मानक हिस्ट्री ऑनर्स रो सिलेबस एबे आउटरे आलोचना कर सारछे। तो बहुत पिलांकर डिमांड थिला कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो सिलेबस ऊपर हम उठी कहंतु पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे कौन सब चेंजेस होई छी एंड कौन सब सेम जिंस रही छी एंड केमिति कौन प्रिपेरेशन करबाटा बेस्ट हबो डिटेल्स हमको कहंतु। तो फाइनली आम आज डिस्कशन करबा बले माने पॉलिटिकल साइंस रो एनईपी 2020 सिलेबस। तो एई कथा आरंभ कर रखु छी कि सब कॉलेज रे एनईपी 2020 लागू हेनी। ओके, बहुत पिला कमेंट करछन कि हमर तो सिलेबस एटा नहि, आपण नुवा सिलेबस कोठ आनछन, एटा कौन बहुत पिला जानि परना। तो तांको कहि दउ छी कि एनईपी 2020 जो कॉलेज रे लागू होई छी सेमानक पई ए सिलेबस। तो आपणक कॉलेज जदि माने सीबीसीएस रो चली छी बा पुरणा सिलेबस पाठपढ़ा चलती देन आप सिलेबस पढ़ा किसी दरकार नहीं, आप सिलेबस ही पढ़े। बट जो मानकर न्यू सिलेबस आसी जो मानकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होती तो से सिलेबस ठीक अच्छे। चलतु देखा ये हूँ आपंकर पॉलिटिकल साइंस रो सिलेबस। क्लासेस गुड़ाक भी करा बेले यार बही बही आसुनी गाइड भाई टी आसुनी तथा मुझे ट्राए करुँ कमी कौन यार नोट्स कलेक्शन करी आपने क्लास गुड़ा करी। ओके, जिते संभव हो चेषा करुँ। तो ये पीडीएफ को भी टेलीग्राम आपको देदेवि। तो देखो फास्ट कौन आप चेंज है कमी कौन प्रिपेरेसन करेंगे नुआ कथ जानतु गोटे कि कमी कौन आसूस मैंने पैटर्नटा डिटेल्स देखा ठीक अच्छे। गोटे नुआ कथ भी आपको कहे भिडियो शेषे व्वेट करूँ। देखो ये जिनस गुड़ाक सब कौन हो आपर बहुत सिंपल करदे कौन नुआ कथ मुझे कहबी ना कहूँ फास्ट्रु आप फास्ट मैंने सिलेबसटा डिस्कसन कर दे देन आपको मुझे कहबी कौन गोटे नुआ कथ आप पॉलिटिकल साइंस कौन मैंने आसा गोटे नुआ जिनस जोटा कि आप एनईपी लागू है पर। ओके, देखो यूनिट वन आप पूरा थोदे इंट्रोडक्शन मैंने जोटा आप प्लस टू फास्ट इयर पढ़ा कथा से आपड़ पढ़े प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस अंदर। मैंने जब गोटे पिला यहाँ करार कारण होती गोटे पिला पॉलिटिकल साइंस कौन जानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट विषय तार जीरो नॉलेज अच्छी ताहले भी सी पॉलिटिकल साइंस अनर्स नहीं पढ़ी पार्ब आम कहूना। तो प्लस टू जो तरह जो मैंने जो जो सब्जेक्ट तू पढ़ीचु प्लस टू जो जो सब्जेक्ट तू पढ़ीचु तार भितर गोटे तू अनर्स रूप चूज कर जहाद्वारा तुम्हें बेस्ट हम कारण तू से सब्जेक्ट पर जानू देन तापर तू अधिक पढ़ू। बट एटी आपंपाई से बारियर रही जो मैंने प्लस टू भी पॉलिटिकल साइंस नहीं नए पॉलिटिकल साइंस विषय किसी भी जानी नए से मैंने भी प्लस थ्री पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स निमानक भी किसी असुविधा हेनी। आउ एठी जो भी टॉपिक गुड़ा मेंशन कराई ये सब गुड़ाक हूँ कॉम्पिटेटिव को आखिरे रखिकी कराई कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही जिनस गुड़ा ही पढ़ू आपर जहाँ ये सब रखाई पूरा बेसिक कनसेप्ट रू सी रखुच्छी। देखो फास्ट कौन रहा इंट्रोडक्शन रखुच्छी आपंकर रोच कौन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कौन सब जा देखो इंट्रोडक्शन आपंकर कला व्हाट इज पॉलिटिकल देन पॉलिटिकल फिलोसफी पॉलिटिकल थियोरी पॉलिटिकल साइंस पूरा टोटल पर आपको बुझे पॉलिटिकल फिलोसफी कौन पॉलिटिकल थियोरी कौन देन पॉलिटिकल साइंस कौन पूरा बुझे तापर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी सोसाइटी सहित पॉलिटिक्स रो लिंक केमती रोचे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक सहित पॉलिटिक्स रो लिंक केमती रोचे डिटेल्स आप फास्ट यूनिट रे देखा पाए ठीक अच्छे। देन आपर जो रोचे ये जो टॉपिक देखो स्टेट आम डिस्कसन करेंगे पे यार क्लास गुड़ा मुझे बहुत शीघ्र आपकी आसमी फास्ट आपको सिलेबस बाबर नॉलेज दे दूँ एंड या सहित मुझे किसी स्ट्राटेजी नुआ कथ किसी देन मुझे क्लास गुड़ा भी प्रोवाइड करी पॉलिटिकल साइंस रो। ओके, जो मानकर तो मैंने एनईपी लागू है से चाहिए देखिपारे पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट सबू किसी क्लास अच्छे बट जो मानकर एनईपी लागू है ता अनुसार में भी क्लास गुड़ाक करा। ओके, देखो देन सेकेंड यूनिट आपर स्टेट आसला जोटा आप प्लस टू फास्ट इयर पॉलिटिकल साइंस रे पढ़ते जो मन थी जानते तो प्लस टू फास्ट इयर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते स्टेट अबाउट रे स्टेट मीनिंग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देन स्टेट एंड सॉवरेंटी जो सार्वभौमत्व पर आप पढ़ाई थी। ओके, स्टेट एंड गवर्नमेंट सरकार आउ आप स्टेट विषय पढ़ाई थी स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन बुझे जोटा कि जगतिकरण जगतिकरण आउ स्टेट आप रही राज्य बुझे। तो ये रही आपर स्टेट टॉपिकटा आम ए स्टेट कहले आम ए देश बोली जाना स्टेट कौन बाको राष्ट्र बोली कहे ठीक अच्छे राष्ट्र पढ़े आम जमा चिंता करते जमीन मुझे यार नोट्स कलेक्शन करी कौटना कौट आप पढ़े आने कहीं एपर्त गाइड बुक्स तो ये शीघ्र आवेलेबल हेनी मार्केट में तथा तो मुझे ट्राए करूँ जब मिलगला तो बहुत भल कह ना भी आम जमी क्लास करा मुझे जोटना कौटू सिलेबस अकॉर्डिंग नोट गुड़ा कलेक्शन करी आप क्लास भी निहती भाव आनी ठीक अच्छे। तो कनसेप्ट कनसेप्ट आपको यूनिट थ्री पढ़ा कौन कनसेप्ट पढ़ा पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी देन राइट्स एंड फ्रीडम
देन इक्वालिटी एंड जस्टिस ये सब सिंपल पे मैंने बहुत सिंपल कर देखिए आपन देखंतु यदि आपन देखिबे प्लस 3 रो जो फर्स्ट सेमेस्टर आपन जो थिला पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाउतले आपन को कौन थिला टिके कोठना गोटे बोरिंग जिनस दिला बट ए जिनस ओर यदि आपन देखिबे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जिनस छ क्लास उडा बे हम कोला बे आपन देखिबे केते इंटरेस्टिंग वे रे आपन पढ़ेबी कारण ये जिनस गुड़ा बहुत इंटरेस्टिंग जिनस गुड़ा आपन से बोरिंग जिनस थिला ताको बाहर कर देला ए पर इंटरेस्टिंग जिनस गुड़ा देछि जिबा यूनिट 4 को जिबा डेमोक्रेसी पिला माने प्लस 2 सेकंड रे पढ़ी गेसले ना डेमोक्रेसी प्लस 2 सेकंड रे पढ़ले तो किछि नुवा जिनस नै देखंतु से जिनस मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ले ना नै मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी देन डेलिबरेटिव देन प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी कौन अच्छे पिला माने बहुत सिंपल जिनस दे देला बहुत सिंपल जिनस ठीक अछि हाँ जोड़ा कि आपन बेनिफिट तो अच्छी यार डिसएडवांटेज भी अच्छी सेटा मुझे आपको कहि बट बेनिफिट बहुत देखा नेक्स्ट पेपर देखा नेक्स्ट पेपर आप कौन रोच देखु कोर पेपर टू आप रोचे हाँ ये देखो ये मतलब लगे पे मैंने कोर पेपर टूटा आपंकर जहाँ थी आई थिंक से ही रही बेस किसी चेंजेस है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा मुझे पढ़ेली ऑलरेडी देखिए आपने प्लेलीस्ट क्लासेस गुड़ाक होती मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमती मेकिंग होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेली देखिए मतलब कहे ये सेम अच्छी कौन कोर टू जहाँ से अच्छी ये भी सेम तो मैं पूरा टोटालटा सेम अच्छी लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव इन यूनियन एंड स्टेट तो ये सब सेम जिन जुडिशियरी आपंकर यूनियन स्टेट रिलेसनशिप आई थिंक ये सब थी तथा आप देखीदे है देखीदे ये जिनस गुड़ा ही पाइबे बुक ये सजेस्ट करी बट मार्केट में आवेलेबल है ना ना देखा पड़ो बुझे तो देन आपर ये शेष होन ये कोर थ्री स्टार्ट होगा कि आप नुह एवे कोर थ्री एट स्टार्ट आई थिंक ओके गोटे मिनट कोर थ्री बोध एट स्टार्ट हाँ ये आपको सेमिस्टर टू में सेमिस्टर टू में जाने दर सेमिस्टर वन में एत जिन जानते आउ गए मतलब कमेंट भी कहे सब जब पचारे एथर भी पचारूँ कि यही जो सिलेबस मुझे आपको देली ये जो सिलेबस आप सब डिस्कसन कली आप कलेज सिलेबस देना अलग किसी देखते जो मैं एन ई लागू होती जो मैं एन ई लागू होती आप कलेज सिलेबस देते सिलेबस पढ़ाऊँ ना अलग किसी यदि ये सिलेबस पढ़ाऊँ ये सिलेबस देते गोटे सिंपल ईएसटे लिखिदेवे ठीक अच्छे ओके मुझे नुआ कथ नुआ कथ कौन मुझे अलरेडी मैंने भिडियो आरंभ शेष पर्यटन आलोचना करा भितर सिलेबस आपको कही सारे नुआ कथ हूँ कोर टू में आपंकर चेंजेस कलानी जोटा कि बहुत भल कथ कोर वन में आपंकर सिंपल जिनस आई जोटा कि आहरी भल कथ आउ मार्क उठाया भी बहुत सहज आपंपाई यहाँ गोटे बहुत बढ़िया पैटर्न कर दे तो जानते कि आपंकर क्वेश्चन पैटर्न भी 60+20+20 60 70 80 100 मार्क भाग कराई जोटा कि बहुत भल कथ केमती कौन एटाई आप जानते ना नहीं जानना मतलब कहे यहाँ भिडियो नहीं आस कौन कमी क्वेश्चन पैटर्न रोज मैं एन ई लगू तो नुआ कथ या पैटर्न आपंकर बहुत भल अच्छी जे आप जो पेपर वन टा बहुत बढ़िया देती सिंपल कर दे कोर टू जोटा खुशी कथ कहपर यहाँ गोटे कोर टूटा जहाँ थी से देन क्लास भी बहुत शीघ्र मुझे नहीं आसबी आपको सपोर्ट मत दरकार निज फ्रेंड्स मानक सेयार करूँ एन ई पी 2020 जो मैं लागू होती से आटलिस्ट जॉइन कर दिखो आम टेलीग्राम चैनल जहाँद्वारा नोट्स गुड़ाक फ्री में समस्ते पाइपारे ठीक अच्छे पे तो ये थी पॉलिटिकल साइंस रो सिलेबस आशा करती आप हेल्पफुल होती है जैक समस्त टेलीग्राम में जॉइन कर दिए जो मैंने जॉइन करते बहुत भल कथ जो मैंने जॉइन करना जॉइन करेंगे पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करदेवे आशा करती आपके यहाँ थी बट नथिबो जब भी चिंता करा दरकार नहीं मुझे देदेवी पॉलिटिकल साइंस रो एन ई पी 2020 सिलेबस ठीक अच्छे तो ये थी पॉलिटिकल साइंस रो सिलेबस आशा करती वीडियो हेल्पफुल होती है जब भी हेल्पफुल है निहत भाव फ्रेंड्स मैं शेयर करेंगे जो मैं एन ई लागू होती तो पहले मैंने आज क्लास को एडिट करवा देखा आप नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो टिल देन टाटा लव यू ऑल।